वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज कोई मोटर व्लॉग नहीं होगा, कोई बाइक का मॉडिफिकेशन जैसा कुछ वीडियो नहीं होगा या बाइक राइडिंग का राइड वीडियो नहीं होगा। तो आज मैं कुछ अलग वीडियो लाया हूँ, फर्स्ट टाइम ऑन अ चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो कार में जो एसेसरीज यूज़ होते हैं, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो 6 एसेसरीज यूज़ होने चाहिए कार में और जो नेसेसरी है डे टू डे लाइफ में। तो आज मैं वो एक एक अनबॉक्स करके बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली एसेसरी की तरफ आते हैं, तो ये है डॉक्टर चारकोल नॉन इलेक्ट्रिक एयर प्योरीफायर। तो ये 100% एक्टिवेटेड चारकोल है, इसके अंदर नो केमिकल, नो फ्रेग्रेंस, कुछ नहीं है। इसका काम ये है, बस आप इसको ये एक बैग मिलती है 200 ग्राम चारकोल की, तो इसे बस लेके आपके गाड़ी में रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इससे आपके कार में ना मॉइस्चर होगा मानसून के सीजन में, जैसे अभी मानसून चल रहा है तो आपके कार में सिर्फ जाके रख देंगे, आप कार में जाओ या ना जाओ तो ये अपना काम करते रहेगा। और सबसे बेस्ट फीचर ये है कि ये पूरे 1 साल तक आप रख सकते हैं और उसके बाद फेंक सकते हैं। तो इसका प्राइस आप MRP देखेंगे तो ये है 600 रुपीज़ का। तो मैं बेस्ट बाय लिंक्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। तो ये है अपना फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो देखेंगे तो ये बॉक्स, छोटा सा बॉक्स। तो ये है हाइकर कंपनी का हीराटेक मोबाइल होल्डर, मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर। तो खोलने के बाद कुछ ऐसा होगा। तो ये हाइकर कंपनी का पाइवट बेस माउंट मिलेगा, जिसके पीछे एक 3M टेप होती है, वो 3M टेप को आपका कवर रिमूव करना है और आपके कार डैशबोर्ड पे बस क्लिक कर देना है। तो उसके साथ आपको मिलता है ये छोटा सा एनवलोप, के अंदर आपको मिलेगा एक अल्कोहल रबिंग स्वैब और कुछ EMP टेप्स और एक मेटल का पीस, राउंड पीस, और एक रेक्टेंगुलर पीस मिलता है जो भाई ने पहले निकाल लिया है। इसे बस आपके मोबाइल के कवर के पीछे चिपका देना है या डायरेक्टली मोबाइल पे आप चिपका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बस आप जैसे आपके मोबाइल के पीछे चिपका देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे स्टिक हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है निकालने में। तो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है ये। तो इसका जो MRP है वो 500 रुपीज़ है। तो अभी चलते हैं थर्ड एक्सेल की तरफ। तो ये है ओबो कंपनी का कार डस्टर, तो देख सकते हैं ये बैग में मिलता है। तो अभी अनबॉक्स करके देखते हैं। तो कुछ ऐसी पैकिंग के साथ आता है और ये बड़ा हैंडल। और ये डू, इसे आप डायरेक्टली यूज करना चाहे तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या आप धोके भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि धोके यूज करें क्योंकि इसमें थोड़ा सा डस्ट है। इसका एक अच्छा फीचर ये है कि जितना गंदा ये होगा उतना ये अच्छा काम करेगा और अच्छे से गंदगी आपकी गाड़ी में से निकालेगा, जैसे स्क्रीन के ऊपर से या गाड़ी के बॉडी के ऊपर से। या अगर कुछ आपको नॉर्मल डस्ट वाइप करनी है या अगर आपको कुछ नॉर्मल डस्ट वाइप करनी है सीट के ऊपर से तो ये काम में आ सकता है। या गाड़ी के ऊपर कपड़ा नहीं मारना आपको डायरेक्टली, इससे एक टाइम में साफ कर लेना है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट। तो आते हैं हमारी फोर्थ एसेसरी की तरफ। तो ये है एक डस्टबिन, तो
प्लास्टिक का है तो आप कहीं भी गाड़ी में रख सकते हैं, और इसमें कुछ कवर है तो आप जैसे कि मेरे पास ये कुछ कचरा है तो मैं डायरेक्टली इसमें कचरा डाल सकता हूँ। और अगर आपको गाड़ी साफ रखनी है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है आपकी कार में रखने के लिए। ये सिर्फ 250 रुपीज़ का है, तो 250 रुपीज़ आप दे के मंगा सकते हैं, जैसे कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोडक्ट था, अगर आपको रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। तो चलते हैं हमारे कुछ प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है गुडियर का टायर इन्फ्लेटर जो एनालॉग वॉच के साथ आता है, और ये 12 वोल्ट का टायर इन्फ्लेटर है। आप देख सकते हैं इसका बॉक्सिंग। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये है पिन, ये पेपर वर्क जो जिसका अपने को जरूरत नहीं है और पढ़ता भी नहीं कोई। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कुरियर का ब्रांडिंग दिखेगा, ये स्विच, ये जो गॉज होता है वो, इसमें आप जो टायर का प्रेशर है वो देख सकते हैं। इसका और एक वेरिएंट आता है अपर वेरिएंट जो 1000 रुपीज़ महंगा है, ये 1500 का पड़ा मुझे, और वो जो आता है वो 2500 का आता है। इसमें जो एक गॉज रहता है वो डिजिटल होता है, बस उतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो ये पावर कॉर्ड जो कि बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं, मैं खोलते नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं जरूर चालू करके दिखाता। और ये है प्रेशर होस जो टायर में लगेगी, जो कि ये 1 फीट की है। और इसके साथ ये है, और इसके साथ जो दिए हैं दो नोजल्स, तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो इसको पास में रख देते हैं और जाते हैं अपनी पिस्टन सेट की तरफ। और ये सबसे बड़ा बॉक्स और लास्ट वाला, ये है वैक्यूम क्लीनर RNG इको ग्रीन कंपनी का हाई पावर का वैक्यूम क्लीनर। तो खोलने के बाद सबसे पहले ये थैंक यू लेटर, ये इसका आगे लगाने का नोजल, ये सीट का ब्रश, ये छोटा सा फ्यूज, ये पेपर वर्क जो अपन बहुत बड़े एरियर शान है इसलिए इसका जरूरत नहीं है। ये कैरी बैग, और लास्ट में देखेंगे तो वैक्यूम क्लीनर। तो ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर है, आप जैसे देख सकते हैं। इसका जो वायर है बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा, ये इजीली आपके अगर आपके पास SUV है ये SUV में भी यूज कर सकते हैं। तो ऊपर दो बटन दिए हैं, ये ऑन ऑफ का बटन और ये इसका आगे का हाउसिंग निकालने का बटन। देख सकते हैं कि इजीली हाउसिंग निकल गई है, और इसके अंदर ये एयर फिल्टर है, आप गाड़ी में रख सकते हैं। ये मैंडेटरी आप बोल नहीं सकते पर नेसेसरी चीज़ें हैं। तो इसके बेस्ट बाय लिंक्स मैंने जैसे पहले ही बोला है, तो डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये अलग वीडियो, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए फ्यूचर में तो प्लीज़ कमेंट डाउन वीडियो, एंड इफ यू हैवंट लाइक द वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अनबॉक्सिंग तो कर ली, अब ये कचरा कौन उठाएगा।